सांप कीड़ों से लगता है मुझको बहुत डर। 10 साल पे झोपड़ी में रह के गुजारा कर रहा एक परिवार। 3 वर्ष पहले लग चुकी है झोपड़ी में आग। कई बार की शिकायत पर नहीं दिया किसी ने भी ध्यान। जी हाँ, हम आपको बताते चले, विकास खंड भतपुरा के ग्राम पंचायत मधोपुर में रंजन सिंह झोपड़ी में रह के गुजारा कर रहा है। रंजन सिंह का कहना है कि मेरी झोपड़ी में लगभग 3 वर्ष पूर्व आग भी लग चुकी है और मैं लगभग 10 वर्षों से झोपड़ी में रह के गुजारा कर रहा हूँ। इसकी शिकायत मैंने ग्राम प्रधान व तहसील नवाबगंज में भी की, पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। बरसात के मौसम में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मेरी झोपड़ी में अक्सर सांप कीड़े घुस जाते हैं जिससे मुझे डर लगता। क्या नाम है तुम्हारा? सुनीता देवी। कौन सा गांव है? माधवपुर। ये झोपड़ी किसकी है? हमारी। कब से इसमें रह रहे हैं? 5 साल हो गई लग। इसकी शिकायत कहीं करी थी? करी थी। किससे करी? नवाबगंज भी करी, तहसील में, हर जगह करी, किसी ने सुनी भी नहीं। प्रधान से कही? प्रधानों से कही। प्रधान ने क्या कह दी? प्रधान ने कही आवास आ जाएगा, नेट पे भी चढ़ गया है। फिर किसी ने सुनी भी नहीं, कोई नहीं आया। इसमें क्या चाहते हैं? हम आवास चाह रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? नरेंद्र सिंह। कौन सा गांव है? माधवपुर। ये जो छपर वाला है किसका है? हमारा है। कब से रह रहे हैं? शुरू 2017 से। जैसे इसकी किसी आपने मांग नहीं की इस चीज़ की? मांग की थी मैंने। फिर बरेली भी गए थे, नवाबगंज गए, बिलाग गए, लेकिन किसी ना सुनी। प्रधान से आपने कही थी? प्रधान से कही। फिर क्या कह दिया उन्होंने? ना सुनी, क्या बोले? आई है जी, ना कहीं ना आए आए है। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 5 बालक हैं। जैसे आज बरसात होती है तो किस तरीका आपको दिक्कतें होती हैं? बहुत दिक्कतें होती हैं, यहाँ सांप भी आ जाता है। हाँ, मछली ना आए, पगा आए। जैसे और कोई चीज़ यहाँ निकलती होगी किस तरीके की? ना, और यही दिक्कतें हैं बस, सांप कीड़ा की। अच्छा, इससे पहले और कोई घटना घट चुकी है इसने माया? इसमें आग लग चुकी है जो 31 मार्च 2017 में। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरीके की मांग करना चाहेंगे? हमें कुछ ना चाहिए, आवास चाहिए सिर्फ। क्या चाहिए? आवास। परिचय जानना चाहेंगे? त्रिवेंद्र अंगवार, ग्राम प्रधान माधोपुर। अरे, जो निरंजन सिंह व्यक्ति नाम का है, ये कौन से गांव का है और क्या मामला है इसका? निरंजन सिंह मेरे ग्राम पंचायत माधोपुर के निवासी हैं। 8-10 वर्षों से रह रहे हैं वहाँ पे, झोपड़ी में अपने गुजारा कर रहे हैं। अभी लगभग 3 वर्ष पहले उनकी झोपड़ी में आग भी लगी है, ऐसी जानकारी मिली। हम उस समय भी गए थे और अभी फिर से गए उनके यहाँ, तो उनसे जानकारी जब मिली, उनसे बात हुई हमारी, तो हमने उनसे पूछा कि आपने कोई पूर्व में कोई शिकायत किसी से कहा आपने आवाज़ के लिए? तो उन्होंने बताया, उनके द्वारा बताया हुआ कि मैंने पूर्व में रहे प्रधान उनसे कई बार अपने आवाज़ के लिए कहा, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। तो मैंने उनसे कह के आया हूँ कि आपकी जैसी साइट चलती है, मैं आपके आवाज़ के लिए तुरंत आपका नाम डाल के और दावे के साथ आपका आवाज़ बनवाऊँगा। हम सपनों को साकार करते हैं, देते हैं पंख आपके हौसलों को, दिखाते हैं राह उज्जवल भविष्य की, हम रखते हैं अरमानों की नींव, नींव शिक्षा की, ख्वाबों को हकीकत बनाने की, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की एकमात्र राह स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।